कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद तैयार की गई सभी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है। इस फैसले की वजह से 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। इस खबर पर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित सेन गुप्ता। सुमित, सबसे पहले तो बताइए क्या है पूरी खबर? देखिए, जो बताया जा रहा है करीब 180 के आसपास जातियां हैं जिनको ओबीसी के तहत, ओबीसी कानून के तहत उनको संरक्षण मिला हुआ है पश्चिम बंगाल में। ये कुछ दिनों पहले ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को ये सवाल किया गया था कि पश्चिम बंगाल में अगर ये जो 180 जातियों की बात कही जा रही है उनमें से 118 मुसलमान है, मुस्लिम समुदाय के 118 जातियों को संरक्षण मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार को ये पूछा गया था कि इसका पैरामीटर्स क्या पैरामीटर्स आप फॉलो कर रहे हो कि जहाँ पे 70% हिंदू रहते हैं वहाँ पे 180 में से 118 जाति मुसलमानों का कैसा हो सकता है, उसका रिपोर्ट उन्होंने मांगा था। लेकिन वो रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को नहीं दिया। इसके बाद कोई इंडिविजुअल जाकर कोलकाता हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया और उस पीआईएल के तहत आज कोलकाता हाईकोर्ट के तरफ से ये निर्देश आया कि 2010 के बाद से जितने भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है सबको रद्द किया जाए। इसमें से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये भी बताया कि अगर इस पिछले 14 सालों में अगर किसी को इस ओबीसी सर्टिफिकेट के तहत नौकरी मिला है या पढ़ाई लिखाई का कोई सुविधा मिला है या मिल रहा है या फिर उनके नौकरी का या किसी ओबीसी जो फैसिलिटीज है, ओबीसी होने का जो फैसिलिटीज है, अगर उस फैसिलिटीज में कहीं पर किसी प्रोसेस में चल रहा है तो वो रद्द नहीं होगा, वो नॉर्मली चलता रहेगा। अब फिर से ये एक पैरामीटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बताया जा रहा है, जो सेंट्रल, माफ कीजिएगा, सेंट्रल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से जो बताया जा रहा है उस पैरामीटर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल सरकार को। हालांकि इस घटना के, ये जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानेंगी और इसे चैलेंज करके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। ममता बनर्जी का सीधा तौर से बीजेपी पर उन्होंने हमला किया है, बताई है कि ये बीजेपी का प्लान है कि किस तरह मुसलमानों को डिप्राइव किया जाए और हिंदुओं को भी, जिन हिंदुओं को इस बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन में रखा गया है वो सभी हिंदुओं को भी नहीं रखा गया है। तो ममता बनर्जी चुनाव के समय, ममता बनर्जी इस तरीके से इस पर रिएक्ट किया है। बिल्कुल, ये अहम बात आपने कही कि सर्टिफिकेट रद्द किए गए हैं, लेकिन अगर जाति के आधार पर कोई नौकरी कर रहा है या कोई कोई सेवा ले रहा है जाति के आधार पर तो उसमें किसी तरह का संकट नहीं है, ये बड़ी बात है। हालांकि इस मामले को लेकर जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ये एक अहम बात होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे सौमित्र आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।